हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। तो आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए जिनका क्वेश्चन बार बार मुझे आ रहा है कि आप हमें ये बता दें इंजेक्शन मेहंदी एप्लीकेटर जो है वो कहाँ से मिलेगा, उसकी नीडल कहाँ से मिलेंगी। ये सारी डिटेल के बारे में वीडियो तो पहले भी बन चुकी है लेकिन आप लोग देखते नहीं हो, तो इस वजह से बार बार वही क्वेश्चन करते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में एक वीडियो और बना दी जाए ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो डिटेल कुछ यूँ है कि इंजेक्शन मेहंदी के अंदर एक एप्लीकेटर यूज़ होता है तो वो इंजेक्शन, लेकिन उसको हम इंजेक्शन मेहंदी के अंदर कैसे यूज़ करते हैं ये बताती हूँ मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले एक आसान सा तरीका ये है कि आप लोगों ने एक इंजेक्शन ले लेना है, ठीक है। इंजेक्शन जो है वो ये देखिए आप लोगों के सामने है, ये इंजेक्शन, दो इंजेक्शन को मिला के मैंने ये इंजेक्शन बनाया हुआ है जिसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो ये इंजेक्शन है, ये सिंपल एक इंजेक्शन है, उसको लिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीडल की अब बात करें, नीडल जो है वो 3 नंबर जो हैं वो उसके अंदर यूज़ होते हैं, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि कौन कौन से नंबर यूज़ होते हैं, लेकिन मैं फिर दोबारा आप लोगों के साथ इसकी डिटेल शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो ये देखें, ये 3 नंबर जो है नीडल के, एक 16 नंबर है, एक 17 नंबर है और एक जो है वो 18 नंबर है, ठीक है। और ये कब कब यूज़ करनी है इनके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर आप कहेंगे तो फिर एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ये 3 नीडल जो हैं वो यूज़ होती हैं, इनके आगे से आप लोग देख लें साइज़ जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। ये 3 नीडल हैं और ये एप्लीकेटर है, ठीक है। और इसको आप कहाँ से बाय करेंगे? अगर तो आप खुद इसे घर पर बना सकते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग जो हैं वो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं इंजेक्शन मेहंदी एप्लीकेटर जो है, इंजेक्शन मेहंदी भी सेल कर रहे हैं और इंजेक्शन मेहंदी एप्लीकेटर भी सेल कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा हाई है कि आम जो बंदा है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और कहते हैं कि ये किस तरह बनेगा, हमें किसी तरह पता चल जाए ताकि हम घर पर इसे खुद बना लें। तो मैंने वीडियो शेयर की हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो वो आप लोगों को नहीं मिल रही, आप लोगों को पता नहीं चल रहा, तो वो मैं वीडियो आप लोगों की आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी ताकि आप लोगों को आसानी से मिल जाए। तो उसके बाद अगर आप इसको ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो मैंने दराज से एक दो लिंक जो है वो आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग आसानी से वहाँ जाके इंजेक्शन मेहंदी एप्लीकेटर जो है वो उसको बाय कर सकें। और अगर आप अकेली नीडल बाय करना चाहते हैं, नीडल नहीं मिल रही आप लोगों को, तो आप लोग वो भी दराज से, मैं वो लिंक लगा रही हूँ, आप वो भी वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसको ऑनलाइन बाय नहीं करना चाहते, दराज से आप बाय नहीं करना चाहते, किसी से भी नहीं लेना चाहते और आप चाहते हैं कि आप खुद इसको बाय करें, क्योंकि ये 20 रुपये की 25 रुपये की आती है और ऑनलाइन जब हम लेते हैं तो ये हमें जो है वो 100 से भी ऊपर की पड़ जाती है, 200 से भी ऊपर की पड़ती है। जब आप दराज से भी ऑर्डर करोगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, जाहिर सी बात है, चीज़ जो है वो आपके घर तक आएगी तो पैसे तो लगेंगे। लेकिन अगर आप इसको खुद बाय करना चाहते हैं तो आपको बता देती हूँ ये कहाँ से मिलेगी। आप लोगों ने वेटरनरी मेडिकल स्टोर जो है वहाँ से ये आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ मतलब कि जानवरों का जो मेडिकल स्टोर है ना, वहाँ से आप लोगों को मिलेंगी। उनको जाके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उनको दिखा दें, तब भी आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप उनको कहेंगे कि आप हमें जानवरों को लगाने के लिए जो इंजेक्शन की नीडल यूज़ होती है आप हमें वो दे दें, तो तब भी वो आप लोगों को दे देंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के सवालों का आंसर कर दूंगी। अगर आंसर ना कर सकी तो मैं वीडियो ज़रूर आप लोगों के साथ बना के शेयर कर दूंगी ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो आखिर में मैं यही कहूँगी, आप लोगों के प्यार का, मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसी तरह मुझे पसंद करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के साथ मज़े की वीडियो शेयर करती रहूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे भी अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, खुदा हाफिज़।